हेलो गाइस। तो भाई किस तरीके से लोकेश कटारिया के साथ धोखा करके निकाला गया है बिग बॉस के घर से। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस को भी 100% पता था कि यदि लोकेश कटारिया अंदर रहेगा तो वोटिंग के मामले में बाकी सारे कंटेस्टर को मिला भी दे तो भी दोस्तों उनकी वोटिंग और लोकेश कटारिया की वोटिंग तिगुनी होने वाली है। इसलिए भाई बात करें तो अरमान मलिक को पहले वोटों के आधार पर निकाला, उसके बाद भाई बात करें तो शाना मकबूल से पूछा गया कि आप किसे निकालना चाहते हैं, जहाँ पर शाना मकबूल ने अरमान मलिक का नाम लिया। इसके साथ ही बात करें तो जब रणवीर सोरे से पूछा गया तो उन्होंने लोकेश का नाम लिया। इसके साथ ही जब हाउसमेट के वोटों के आधार पर, उसके बाद भाई हाउसमेट के वोटों के आधार पर बताया गया, जहां घर वालों ने साई केतन ने कहा लोकेश कटारिया को निकाल लो, अरमान ने कहा बात करें तो अरमान को पहले ही निकाल दिया, कृतिका ने कहा कि भाई लोकेश कटारिया को निकालो, साई केतन ने लोकेश कटारिया का, रणवीर सोरे ने लोकेश कटारिया का और हाउसमेट के आधार पर बात करें तो जहां पर लसाना मकबूल ने साई केतन का नाम लिया था, जहां पर भाई लोकेश कटारिया को बात करें तो सबसे ज्यादा इविक्शन के लिए वोट आए थे, उसके आधार पर भाई लोकेश कटारिया को घर से बाहर कर दिया गया। जहां इस तरीके से गंदा खेम खेल कर बात करें तो बिग बॉस के फिनाले से दो दिन पहले ही लोकेश कटारिया को निकाल दिया है, एलविश यादव को दिया है काफी बड़ा धोखा। जी हाँ, एलविश यादव से टीआरपी लेकर एलविश यादव को बुलाकर लिए गए सारे, बात करें तो मेंबरशिप दिलवा दी गई और बात करें तो मैंने भी 15 से 20 लोगों को अपनी तरफ से मेंबरशिप दी थी कि लोकेश कटारिया को वोटिंग के लिए। जहां पर भाई बात तो एलविश यादव को दोस्तों बात करें तो पहले मेंबरशिप दिलाई, क्योंकि जिस दिन मेंबरशिप खत्म हुई उस दिन एलविश यादव एंड फेजू को बुलाया गया, जहां पर भाई अदनान की बात करें तो सपोर्ट में फेजू को बुलाया गया, जहां पर उनकी बात करें तो मेंबरशिप दिलवाई गई और रुपए लेकर बात करें तो रुफा छुपा हो गया। यदि आपको भी लगता है कि अनफेयर इविक्शन हुआ है लोकेश कटारिया का विशाल और शिवानी की तरह, तो ज्यादा से ज्यादा अनफेयर लोकेश कटारिया इविक्शन कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही ट्विटर पर भी बात करें तो अनफेयर इविक्शन लोकेश कटारिया जरूर लिखे, ताकि दोस्तों बिग बॉस को उनकी पता चले। हर बार सोशल मीडिया पर लाए हुए दोस्तों इतनी मेहनत करके लोग आते हैं और उनके साथ इस तरीके से बेइज्जत करके निकालते हैं। शिवानी को निकाला, विशाल को निकाला, यूके को निकाला, अब भाई बात करें तो लोकेश कटारिया को भी निकाला है। जी हां, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर अपडेट पाने के लिए।